जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं। कभी कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है शेर, ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कभी कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं आपको केजरीवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहां जेल में हूं, यहां काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत मां के लिए सोचता हूं। भारत मां बहुत दुखी है, भारत मां दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती तो भारत मां को बहुत दुख होता है। जब भारत मां के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत मां बेबस और लाचार महसूस करती है। जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब है, तो मां को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं, तो भारत मां को बहुत गुस्सा आता है।